कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोग के सामने एक वीडियो लेके आ गई हूँ, जो कि आज का जो हमारा वीडियो है ये है बीकॉम, यानी जो कॉमर्स के बच्चे हैं जो बीकॉम करते हैं ये उनके लिए है। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का इंटरनल और एक्सटर्नल एग्ज़ाम होने वाला है वो भी आपकी नवंबर लास्ट या दिसंबर स्टार्टिंग में एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं आप लोग के लिए बीकॉम की कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो देरी ना करते हुए चले बढ़ते हम अपने वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं शिवांगी पांडे आप सभी का मेरे चैनल राजश्याम स्टडी पॉइंट पे स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। देख सकते हैं आप लोग ऊपर लिखा है व्यावसायिक संप्रेषण एक का परिचय। ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ही है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट आप लोग देख रहे होंगे, व्यावसायिक संप्रेषण, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन। बहुविकल्पीय प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करके ऊपर लिखा हुआ है नोटिस में, सही विकल्प का चयन कीजिए। संचार एक है, इंग्लिश को भी देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इज, सॉरी पहले हिंदी पढ़ लेते हैं। संचार है, ऑप्शन चार है आपके पास, एक मार्गीय प्रक्रिया, दो मार्गीय प्रक्रिया, तीन मार्गीय प्रक्रिया, चार मार्गीय प्रक्रिया। इंग्लिश कम्युनिकेशन इज वन वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस, थ्री वे प्रोसेस एंड फोर वे प्रोसेस। इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो है दो मार्गीय प्रक्रिया, यानी टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन आपका टू वे प्रोसेस है, ठीक है। आगे देखते हैं साम्यवाद, कम्युनिज शब्द से लिया गया है। जो कम्युनिज साम्यवाद शब्द है वो किससे लिया गया है, ग्रीक से, लैटिन से, चीनी से या अंग्रेजी से। द टर्म कम्युनिज डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड, ग्रीक, लैटिन, चीनीज और इंग्लिश। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में बी आपका सही है। जो कम्युनिज शब्द लिया गया है वो है लैटिन शब्द से लिया गया है। तीसरे को देखते हैं, संचार एक डैश प्रक्रिया है, चार ऑप्शन है, लक्ष्य उन्मुखी, सर्वव्यापक, निरंतर चलने वाली या उपयुक्त सभी। क्या है, कम्युनिकेशन इज अ डैश प्रोसेस, क्या है, गोल ओरिएंटेड, यूनिवर्सल, कंटिन्यूअस और ऑल ऑफ द एवब, ठीक है। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में जो आपका सही है वो है डी, ऑल ऑफ द एबब, ठीक है। उपयुक्त सभी, संचार एक उपयुक्त सभी प्रक्रिया है, यानी कम्युनिकेशन इज ऑल द एबब, यानी यूनिवर्सल, कंटिन्यूस और गोल ओरिएंटेड। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, संचार डैश प्रदान करने का कार्य है। ऑप्शन ए प्रशिक्षण, बी जानकारी, सी ज्ञान, डी संदेश। कम्युनिकेशन इज द टास्क ऑफ इम्प्रेटिंग डैश ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड मैसेज। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में वो जो ऑप्शन सही है वो है बी, जानकारी, इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन इज द टास्क ऑफ इम्प्रेटिंग इंफॉर्मेशन, संचार जानकारी प्रदान करने का कार्य है, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं, संदेश प्राप्तकर्ता को मिलने वाली जानकारी को डैश कहा जाता है। ऑप्शन संदेश, बी आउटपुट, सी इनपुट और डी स्रोत। द इंफॉर्मेशन विच द रिसीवर गेट इज कॉल्ड मैसेज, आउटपुट, इनपुट एंड सोर्स। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में जो आपका सही है वो है संदेश, यानी मैसेज। संदेश प्राप्तकर्ता को
मिलने वाली जानकारी को संदेश कहा जाता है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, प्रभावी संचार केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब डैश ऑप्शन ए संदेश प्राप्तकर्ता को संदेश समझ आता हो, बी विचार स्पष्ट हो, प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित किया जाता हो, डी भाषण का व्यवस्थित प्रसारण होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन बी ओनली बी अचीव्ड ओनली व्हेन डैश रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज, थॉट आर ऑर्गेनाइज्ड, फीडबैक ऑफ इनकरेज्ड एंड सिस्टम डिलीवरी ऑफ स्पीच। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में जो सही है ए है, संदेश प्राप्तकर्ता को संदेश समझ में आना चाहिए, रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज। छठवें का ऑप्शन जो सही है वो है, वो आपका एक सेकेंड, वो आपका ए है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, डैश वह सूचना या विचार है जिसे प्रेषक रिसीवर को देना चाहता है, ऑप्शन इनपुट, बी माध्यम, सी संदेश और डी आउटपुट। इंग्लिश देख लेते हैं, डैश इज द इंफॉर्मेशन और आइडियाज विच द सेंडर वॉन्ट टू कन्वे टू द रिसीवर, ऑप्शन है इनपुट, मीडियम, मैसेज एंड आउटपुट। सातवां क्वेश्चन है आपका, सातवां में है वो है संदेश, मैसेज इज द इंफॉर्मेशन और आइडियाज विच द सेंडर वॉन्ट टू कन्वे द रिसीवर, संदेश वह सूचना या विचार है जिसे प्रेषक रिसीवर को देना चाहता है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखते हैं, डैश विक्रेता और ग्राहक के बीच संदेश के आदान प्रदान की प्रक्रिया है, संगठनात्मक संचार, व्यावसायिक संप्रेषण, प्रबंधकीय संचार या उपयुक्त में से कोई नहीं। आठवां है जिसमें है ये है बी व्यावसायिक संप्रेषण सही है। ठीक है, आगे देखते हैं नवा क्वेश्चन देखने से पहले एक बार आठवें का इंग्लिश भी देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। डैश इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज बिटवीन अ सेलर एंड अ कस्टमर, ऑप्शन आपका ए है ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, मैनेजरियल कम्युनिकेशन, नॉन ऑफ द एबव। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में जो आपका है वो है बी बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज बिटवीन अ सेलर एंड कस्टमर। ठीक है, नौवां क्वेश्चन देखते हैं, रिचर्ड फिच के अनुसार संचार प्रक्रिया में 90% डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है, औपचारिक संचार, गैर मौखिक संचार, मौखिक संचार या अनौपचारिक संचार। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड फिच इन कम्युनिकेशन प्रोसेस 90% बिलोंग टू डैश, फॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में जो है वो आपका बी यानी गैर मौखिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बी ऑप्शन आपका सही है। दसवें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, संचार का अर्थ है सूचना भावना और विचार को दूसरों के साथ डैश प्राप्त करना, आदान प्रदान करना, प्रवहन करना या उपयुक्त सभी। चार ऑप्शन है, इंग्लिश को भी एक बार देख लेते हैं, इंग्लिश वाले को भी देखते हैं, कम्युनिकेशन मीन इंफॉर्मेशन फीलिंग एंड थॉट विथ अदर्स टू रिसीव एक्सचेंज ऑफ कन्वेइंग ऑफ ऑल द अबव। चार ऑप्शन है, ये क्वेश्चन आपका 10 है, दसवें क्वेश्चन में बी
बी सही है, आदान प्रदान। संचार का अर्थ है सूचना, भावना और विचारों को दूसरों के साथ आदान प्रदान करना। कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फीलिंग एंड थॉट विथ अदर्स। यानी जो कम्युनिकेशन है उसको हम सूचनाएं या भावना विचारों को दूसरों के साथ आदान प्रदान करते हैं। इसी संचार का ये अर्थ होता है, कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। संचार डैश के साथ शुरू होता है, अकॉर्डिंग एनकोडिंग प्रेषक सी माध्यम और डी प्रतिपुष्टि। कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विथ इनकोडिंग सेंडर मीडियम और चैनल या फीडबैक। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में जो सही है वो है आपका बी प्रेषक यानी सेंडर। कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विथ सेंडर। 12वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। संचार प्रक्रिया में प्रमुख तत्वों की संख्या है कितनी, 4, 5, 6, 7। द नंबर ऑफ की एलिमेंट्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज 4, 5, 6 और 7। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में जो सही है आपका 4 डी यानी डी ऑप्शन सही है यानी 7। द नंबर ऑफ की एलिमेंट्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज 7। ओके, 13वें क्वेश्चन को देखते हैं। प्रेषक के संदेश की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, ए माध्यम बी प्रतिपुष्टि सी एनकोडिंग और डी आउटपुट। द रिस्पॉन्स टू अ सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड डैश, मीडियम फीडबैक इनकोडिंग और आउटपुट। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपका बी सही है, फीडबैक प्रतिपुष्टि। प्रेषक के संदेश की प्रक्रिया को प्रतिपुष्टि कहा जाता है। ओके, 14 और आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। डैश संचार में आवाज का स्वर, शरीर की भाषा, चेहरे के हाव भाव आदि शामिल हैं, ए मौखिक सी लिखित गैर मौखिक डी इनमें से कोई नहीं। डैश कम्युनिकेशन इंक्लूड टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड एक्सेट्रा, वर्बल रिटेन नॉन वर्बल नॉन ऑफ द एबव। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में जो आपका सही है वो है सी यानी नॉन वर्बल, क्योंकि ये सारे चीज तो ना मौखिक में आएंगे ना लिखित में आएंगे, तो इसका जो ऑप्शन है वो है नॉन वर्बल। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। पत्र ईमेल टेलीफोन डैश के उदाहरण हैं, संदेश प्रतिपुष्टि एनकोडिंग या डी माध्यम चैनल। 15वां क्वेश्चन, लेटर्स ईमेल टेलीफोन आर एग्जांपल्स ऑफ डैश, मैसेज फीडबैक इनकोडिंग मीडियम एंड चैनल। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपका जो सही है वो है डी मीडियम यानी माध्यम। ओके, आगे देखते हैं 16वें क्वेश्चन को। लोग डैश के बिना एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर सकते, ए संचार बी जानकारी सी माध्यम डी इनमें से कोई नहीं। पीपल्स कैन नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर विदाउट डैश, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन मीडियम नॉन ऑफ द एबव। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में जो आपका सही है वो है ए, बिना संचार बिना कम्युनिकेशन के कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकता है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। संचार के सबसे प्रभावी तरीके निम्नलिखित में से कौन से हैं, ए मौखिक बी गैर मौखिक सी लिखित डी उपयुक्त सभी। Which of the following are the most effective method of communication? Verbal, non-verbal, written, all of the above. चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में जो आपका सही है वो है सी
यानी रिटेन संचार के सबसे प्रभावी तरीके निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो वो है लिखित। आखिरी क्वेश्चन वीडियो का, आखिरी क्वेश्चन है वीडियो का, संचार व्यवसाय के लिए है रीढ़ की हड्डी, जीवन रक्त, दोनों ए और बी, और डी है इनमें से कोई नहीं। कम्युनिकेशन इज द डैश ऑफ बिजनेस, बैकबोन, लाइफ ब्लड, बोथ ए एंड बी, सी नॉन ऑफ द एबव। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में जो आपका सही है वो है ए, रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन। कम्युनिकेशन इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस, संचार व्यवसाय के लिए रीढ़ की हड्डी है। आई होप आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर। पार्ट टू के लिए कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि नेक्स्ट मंथ आप सभी लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाई हूँ। तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।